प्रदेश की योगी सरकार ने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया है। शारदीय नवरात्रि के अवसर पर मां जगदम्बा की आराधना करने गोरखपुर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लगभग 500 वर्ष पूर्व मुगल काल में मुगलों द्वारा प्रयागराज का नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया गया था, अब उसका नाम फिर से प्रयागराज कर दिया गया है। सीएम योगी ने कहा कि प्रयाग वह पवित्र स्थल है जहां ब्रह्मा जी ने प्रथम यज्ञ किया था। देश की 7 पवित्र नदियों में 3 नदियां का पवित्र संगम त्रिवेणी होने के कारण यह प्रयागराज कहलाया, इसलिए इसका नाम अब प्रयागराज होगा। उन्होंने कहा कि जो लोग इतिहास की जानकारी नहीं रखते वह ही इसका विरोध कर सकते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रयागराज सनातन धर्म का प्रतीक है और हमारी आस्था का भी। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा, जिसको निज गौरव तथा देश पर अभिमान है वह उसके बारे में एक देश के प्रख्यात कवि की ये भावनाएं, मुझे लगता है कि बहुत कुछ संदेश दे देती है। लगभग 500 वर्ष पूर्व प्रयागराज का नाम मुगल कालखंड में बदल करके इलाहाबाद कर दिया गया था। प्रयाग वह पवित्र स्थल है जहां पर ब्रह्मा जी ने प्रथम यज्ञ किया था। देश की 7 पवित्र नदियों में 3 नदियों का पवित्र संगम त्रिवेणी का संगम होने के नाते पवित्र गंगा, पवित्र यमुना, पवित्र सरस्वती, इस त्रिवेणी का संगम होने के नाते यह प्रयागराज कहलाया। जिन्हें अपने इतिहास के बारे में जानकारी नहीं, जिन्हें अपनी परंपरा के बारे में जानकारी नहीं, जिन्हें अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानकारी नहीं, वे लोग इस प्रकार का प्रश्न खड़ा करते हैं। मुझे लगता है लोगों से बहुत उम्मीद भी नहीं की जा सकती। उत्तराखंड से लेकर के और प्रयागराज तक अनेक प्रयाग हैं। विष्णु प्रयाग है, मंत्र प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है, रुद्र प्रयाग है, देव प्रयाग है। हर एक प्रयाग में 2 नदियों का पवित्र संगम होता है और इसलिए उस नाम पर वह प्रयागराज प्रयाग बनता है। इन सभी प्रयागों का, क्योंकि हिमालय से निकलने वाली 2 अत्यंत पवित्र नदियां, जिन पवित्र नदियों का स्मरण हर सनातन हिंदू धर्मावलंबी प्रतिदिन स्नान करते समय प्रातः काल अपने उच्चारण में उनका स्मरण करता है, गंगा है, यमुना है, ये दोनों पवित्र नदियां हिमालय से निकलती हैं और हिमालय से निकलने वाली इन पवित्र नदियों का संगम स्थल है प्रयागराज। यानी सभी प्रयागों का राजा है प्रयागराज। भारत की सनातन आस्था का प्रतीक है प्रयागराज और इसलिए हमारी सरकार ने जनभावनाओं को ध्यान में रखकर इस स्थल का नाम प्रयागराज किया है। लोगों की बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं इसमें सुनने को, देखने को मिली हैं और मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति को अपनी परंपरा पर, अपनी संस्कृति पर, अपने गौरवशाली इतिहास पर गर्व की अनुभूति होनी चाहिए और उसी परंपरा में हम लोगों ने इस पवित्र स्थल का नाम प्रयागराज किया।